हेलो फ्रेंड्स, मैं रूपाली रुपिंदर एच ब्यूटी सैलून में आपका स्वागत करती हूँ। आज पार्ट फोर वीडियो बनाने जा रही हूँ, उम्मीद है आपको पसंद आएगी। तो आज मैं आपका ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए तो मैं आपको दिखा दूँ ब्रशेस। ये मैंने न्यू ब्रश खरीदा है ELF का, ये कंटोर ब्रश है फ्रेंड। प्लीज़ कंटोरिंग जो है इस टाइप की ब्रश से करें, क्योंकि नोज़ की और चिक्स की कंटोरिंग बहुत अच्छी हो जाती है। ये ब्लेंडिंग ब्रश है छोटे वाला, एक हमारा ये है ब्लेंडिंग ब्रश, ये बड़े वाला है। मैंने आपको बताया था बीबी क्रीम वगैरह अप्लाई हो जाती है, मोआ का प्रोफेशनल है। ये ELF का है ब्लेंडिंग ब्रश, छोटे वाला है। एक मैंने ये नया लिया है कंटोरिंग ब्रश कॉम्प्लेक्शन के लिए, एंड दिस ये भी बहुत अच्छा है। ये न्यू ब्रश आया है कंटोरिंग का, इससे आपके जो उभार है एकदम से नज़र आता है अगर आप इससे कंटोरिंग करेंगे तो। एंड ये हमारा डस्ट रिमूव करने के लिए, अगर आपके आईज़ का जो डस्ट है नीचे गिर गया है तो आप ये ELF का है, ये भी इससे ये बहुत सॉफ्ट होता है फ्रेंड्स, ये आप यूज़ कर सकती हैं। पाउडर कहते हैं, पाउडर ब्रश कह सकते हैं आप इसे। ब्लेंडिंग ब्रश एक बहुत अच्छा है फाउंडेशन के लिए, ये भी आपने मुझे ब्राइडल्स के लिए कहा है करके दिखाई, मैं ज़रूर इस दो चार दिनों में वीडियो आपको बना के भेज रही हूँ। उम्मीद है आपको वो भी पसंद आई। ये कंटोरिंग ब्रश है, ये देखिए, एंड दिस इज़ फाउंडेशन ब्रश अप्लाई करने के लिए। मुझे कंटोरिंग इससे करनी भी बहुत अच्छी थी, ये लाइट का ब्रश है, ये कंटोरिंग बहुत अच्छी होती है। तो अब मैं आपको लिपस्टिक दिखा देती हूँ। लिपस्टिक से पहले मैं आपको आई शेड दिखा देती हूँ। ये सिफोरा का आई शेड है, मैग्निफिसेंट मेटल्स ग्लिटर एंड ग्लो लिक्विड आई शेडो है। इसमें ये है, ये भी सिफोरा का है, एंड ये भी, ये है हैवी मेटल के नाम से, ये भी आपको सिफोरा से मिल जाएगा। ये रेवलॉन का है, ये भी इसमें भी 2-in-1 है, ग्लिटर्स एंड आई शेड। ये भी स्टिला का है, ये भी सिफोरा से लिया गया है। आई शेड एंड लाइनर बहुत आप यूज़ कर सकते हैं। तो NYX की ये आईब्रो पेंसिल है फ्रेंड्स, 2-in-1। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस फ्रेंड्स, यहाँ इंडिया में ये मैंने आपको पहले बताया, मेरी शॉप जो है बिल्कुल मार्केट के साथ होने की वजह से आवाज़ बहुत रहती है। तो यहाँ 2-3 महीने के लिए आती हूँ काम करने के लिए, क्योंकि वहाँ बर्फ़ पड़नी शुरू हो जाती है तो यहाँ काम शुरू हो जाता है। ए पुशअप ऑफ योर आईब्रो, तो ये 2-in-1 है हाइलाइटर एंड आईब्रो के लिए। ये भी हाइलाइटर के लिए इज रिवाइंग बहुत अच्छा है मेबलिन का। इसका जो है कि आप इसको डार्क सर्कल भी कवर कर सकते हैं और रिंकल्स भी, और बहुत अच्छा रिजल्ट है इसका फ्रेंड्स। अब मैं आपको लिपस्टिक दिखाने जा रही हूँ, ये नार्स की लिपस्टिक है, ये कलर है अंडर माई थम के नाम से, कलर है मैरून कलर, मैरून फालसा शेड है ये। ये मैक का रेड कलर जो आप अपनी ब्राइडल के लिए रखते हैं, प्रोफेशनल शेड है, उतरता नहीं है, स्टेबल है। ये प्रोफेशनल नहीं है फ्रेंड, ये लिपस्टिक बिल्कुल सस्ती है, मैट में है, फ्लैट फिनिश पिगमेंट, बट ये मैक के अकॉर्डिंग बहुत अच्छी है, चीपर है, 200-250 में मिल जाएगी। मैंने न्यूयॉर्क से ली थी, बट लिपस्टिक बहुत अच्छी है, स्टेबल है। अच्छा, और ये भी मैक की लिपस्टिक है, ये ग्लॉसी है, ग्लॉसी का और ड्राई मैट लिपस्टिक्स का डिफरेंस मैंने आपको दिखाया था। ये भी मैक की लिपस्टिक्स हैं, ऑरेंज रेड कलर और मजंटा रानी कलर, वो तीनों आप मैक में मैट में परचेज़ करें। अच्छा, पेंसिल आउटलाइनिंग बहुत अच्छी होनी ज़रूरी है, ये NYX की प्रोफेशनल पेंसिल है, मेरी फेवरेट है, आप यूज़ करके देखें। इसका नाम मैं आपको बोल के बता देती हूँ, ऐसे दिखाई नहीं दे रहा, NYX प्रोफेशनल मेकअप, एंड इसका नाम जो है कुछ खास नहीं बताया हुआ फ्रेंड, इसका नंबर भी नहीं कुछ दिया हुआ, सिर्फ ये NYX प्रोफेशनल मेकअप के नाम से है, आप देख लीजिए ऐसे लिखा होना चाहिए। तो इसका इतना अच्छी शेप बनती है ना, और बिल्कुल वाटरप्रूफ है। ये भी NYX की है, बट ये इतनी अच्छी नहीं है फ्रेंड, ये मैं आपको मना करूँगी, लेकिन ये मत लें।
ड्राई हो जाती है बिल्कुल, पेंसिल ग्रेस नहीं आती बाद में। ये मत लें, ये लें जिसके आगे NYX प्रोफेशनल लिखा हुआ है। तो लिपस्टिक्स का भी बहुत सारा है, थोड़ा थोड़ा जो प्रोफेशनल हैं तो 10-15 ही हैं, बट वो मैं आपको अलग से वीडियो बना के दिखाती हूँ। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी। फिर मिलती हूँ पार्ट 5 में।